Dear students, welcome in Ali GS classes. Jamia Millia Islamia ne kal apna 9th entrance ka test ka result clear kiya tha aur aaj 9th entrance ka waiting list bhi jari kar di hai. Wo waiting list main aapke samne rakh raha hu, aap yahan se dekh sakte hain. Ye dekhiye waiting list. Jamia Millia Islamia list of waiting list candidates 9. G means general, M for Muslims, MO for Muslims OBC ST, MW Muslims women, KM Kashmiri migrant. ये abbreviation दिया हुआ है इसका. ये देखिए, जैसे मैं आपको यहाँ थोड़ा समझा दूँ, जैसे ये G है, G means general, M for Muslims. अगर MO आएगा तो उससे समझा जाएगा मुस्लिम्स OBC या ST. MW आएगा तो उससे मुस्लिम वीमेन समझा जाएगा, और KM आएगा तो कश्मीरी माइग्रेंट समझा जाएगा. ये देखिए लिस्ट है जनरल. रोल नंबर, सीरियल नंबर, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम, फादर्स नेम, स्कोर, डेट ऑफ बर्थ, प्रेफरेंस फर्स्ट, प्रेफरेंस सेकेंड. ये आप देखते जाइए, काफ़ी लंबी लिस्ट है, 37 पेज की है ये लिस्ट. आप देखते जाइए, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ. इससे बड़ा नहीं हो सकता, इस वजह से आप किसी तरह से नजर तो आ ही जाएगा. बहरहाल आप नजर डाल लीजिएगा. देखते जाइए, ये चौथा पेज अभी चल रहा है. ये पांचवा पेज. छठा पेज. सातवां पेज. आठवां पेज. नौवां पेज. दसवां पेज. जिन लोगों का टेस्ट में अगर हो गया है तो बड़ी अच्छी बात है, और जिनका नाम नहीं आया है, मायूस होने की कोई बात नहीं है. आप अलीग जीएस क्लासेस से जुड़े रहिए, मैं आपको करियर प्लानिंग का पूरी तरह से हर टिप्स दूंगा, ताकि आपके आने वाले ज़िंदगी में कोई दुश्वारी ना हो. आप सिर्फ अलीग जीएस क्लासेस से जुड़े रहें, मैं हर तरह की हर कंपटीशन के बारे में आपको बताऊंगा कि कैसे कंपटीशन निकाला जाएगा.
आगे देखिए। हाँ जिंदगी है तो कंपटीशन तो होना ही होना है। इस वजह से किसी भी कंपटीशन में अनसक्सेसफुल हो जाने से ये नहीं समझना चाहिए कि जिंदगी खत्म हो गई। जिंदगी अभी तो शुरू हुई है, इस वजह से हिम्मत नहीं हारेंगे और आगे जद्दोजहद करते रहेंगे। किस्मत में जब का लिखा होगा वो चीज़ आपको ज़रूर मिलेगी, लेकिन आपको उसके लिए कोशिश और मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इसलिए आप मुझसे यानी अलीग जीएस क्लासेस से जुड़े रहिए और टिप्स ट्रिक्स अपनाकर कंपटीशन निकालने की कोशिश करिए। आइए आगे देखते हैं। आगे देखिए 12वां पेज।14वां पेज। ये आपका 15वां पेज। यहाँ तक जो कोटा था वो जनरल का था, जनरल और मुस्लिम्स का था। लेकिन अब यहाँ से मुस्लिम्स का शुरू होगा, सिर्फ मुस्लिम्स। लेकिन इसमें कहीं कहीं जनरल भी है, कहीं यहाँ मुस्लिम्स भी है। अच्छा, इस इनका जनरल में भी होगा और मुस्लिम्स में भी होगा, दोनों में होगा। ये मतलब है। तो ये जनरल कोटा है, लेकिन यहाँ पे मेंशन कर दिया गया है कि जनरल में है, जिसका किसी का दो दो जगह पे है, किसी का तीन तीन जगह पे है। ये देखिए मुस्लिम्स का, इसकी का शुरू हुआ है 78 से। ये देखिए 17वां पेज। पेज नंबर 18। पेज नंबर 19। पेज नंबर 20। पेज नंबर 21। पेज नंबर 22। बहुत लंबी वेटिंग लिस्ट है। हालांकि इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट का कोई माने मतलब नहीं समझ में आ रहा है कि क्या इतनी लंबी वेटिंग लिस्ट के क्या माने हैं।
बहरहाल जो कुछ भी इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा उसे आप ध्यान दीजिएगा कि क्या इन्फॉर्मेशन वहाँ से दे रहे हैं, क्योंकि इस वेटिंग लिस्ट में उन्होंने कुछ नहीं लिखा है कि आपको कब रिपोर्ट करना है या क्या करना है। जाहिर सी बात है कि आगे कोई ना कोई और नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा, तो जैसे भी कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं आप तक पहुंचा दूंगा, यानी यूट्यूब पे अपलोड कर दूंगा। अगर आप सब्सक्राइबर होंगे तो यकीनन आसानी से उसे देख सकते हैं, और सब्सक्राइबर अगर नहीं है तो आप इसे सब्सक्राइब करिए, तो आपको हर तरह की इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। पेज नंबर 24, अब यहां से मुस्लिम ओबीसी एसटी शुरू हो रहा है। यहां से मुस्लिम वीमेन पेज नंबर 31, पेज नंबर 33, यहाँ पे देखिए पीडब्ल्यूडी, यहाँ पे भी पीडब्ल्यूडी, ब्लाइंडनेस, मल्टीपल डिसेबिलिटीज, अब यहाँ से जम्मू एंड कश्मीर। ये है आपका लास्ट पेज। ये थी जामिया मिलिया इस्लामिया क्लास 9th की पूरी वेटिंग लिस्ट। आप वेटिंग लिस्ट से अपने नाम रोल नंबर को मिला लें, देखें कि आपका वेटिंग लिस्ट में नाम है या नहीं, और अगले नोटिफिकेशन के लिए इंतज़ार करिए। जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं वीडियो बनाकर इस पे अपलोड कर दूंगा। ज़्यादा परेशान होने की कोई बात नहीं है, और ज़्यादा कमेंट में ये पूछने की बात नहीं है कि वेटिंग लिस्ट का कब एडमिशन होगा। जैसे ही कोई भी इन्फॉर्मेशन आता है मैं आप तक इतना पहुंचा दूंगा। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें, और इस तरह के हर नोटिफिकेशन सबसे पहले हासिल करते रहें। थैंक यू वेरी मच।